प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। सो अपना टॉपिक चल रहा था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम लोगों ने स्टार्ट किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, है ना। उस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में हम लोगों ने एक लेक्चर अपना पिछला रिकॉर्ड किया था, पिछला अपना कंप्लीट हुआ था, और उसमें हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे। मैंने मिटाया नहीं है, यहाँ तक हम लोग एंड पे पहुँचे थे कि जब भी सीआईपी रूल हम लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे थे। सीआईपी रूल में क्या बोला था कि जब भी मल्टीपल बॉन्ड होगा तो मल्टीपल बॉन्ड को कैसे सिंगल बॉन्ड्स में ब्रेक करते हैं, यह हमने आपको पिछले लेक्चर में सिखाया था। इसमें हमने लिया था एक सिस्टम जिसमें आपके पास जीआई एरिया के अबाउट यहाँ लगा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ है डबली बॉन्डेड सिस्टम, यहाँ है ट्रिपली बॉन्डेड सिस्टम, और यहाँ था बेंजीन का एक रिंग, है ना। इन सब को हमने तोड़ा था, क्लियर है। तो हमने क्या बोला कि ये डबल बॉन्ड वाला सिस्टम तोड़ा था हमने, तो क्या किया था कि जो ओरिजिनल एटम थे जिसके बीच में डबल बॉन्ड था, इसी को स्प्लिट करना था। सीआईपी के अकॉर्डिंग क्या बोलता है सीआईपी रूल कि मल्टीपल बॉन्ड जितना है उतने नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स बनने चाहिए। तो डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब किसके किसके बीच में डबल बॉन्ड है, तो कार्बन और कार्बन के बीच में। मींस अब कार्बन कार्बन के बीच में दो सिंगल बॉन्ड बनना चाहिए, क्लियर। बाकी के जो ओरिजिनल एटम्स है वो एज इट इज होंगे। तो अपने पास इस सिस्टम को ब्रेक करके हम लोगों ने ये बनाया था। तब क्या बोल रहे थे, ये वाला कार्बन ये है और ये वाला कार्बन यहां है, ठीक। इसके अलावा आपके पास इधर एक हाइड्रोजन था ओरिजिनली, वो ये है, और यहां दो हाइड्रोजन एटम थे, एक यहां है और एक यहां था अपना, है ना, कोई दिक्कत। अब हम लोगों ने बोला कि ये तो एक सिंगल बॉन्ड हुआ इस कार्बन का, क्या बोला गया इस कार्बन पर डबल बॉन्ड है, दो दो बॉन्ड है इस कार्बन के साथ, तो एक तो है। अब दूसरा आपको क्रिएट करना था, आपने ये नया बॉन्ड बनाया था, क्लियर। तो ये जितने ब्लैक हैं वो सब कौन है, ओरिजिनल एटम्स, और रेड वाला हम लोगों ने बोला था सूडो एटम, ठीक। तो अपने मन से हम लोगों ने ये कार्बन चुना था, क्यों, ताकि इस कार्बन का कार्बन के साथ दो बॉन्ड कंप्लीट हो, क्लियर, कोई दिक्कत। फिर सूडो एटम को हम लोगों ने क्या बोला था, हाइड्रोजन देकर के वैलेंसीज की कर दी सेटिस्फाई। उसी तरीके से ये वाला कार्बन जो था अपना वो भी डबली बॉन्डेड था इसके साथ, तब क्या बोला गया कि दो कार्बन फिर इसके लिए, तो एक कार्बन तो जुड़ा हुआ है ही, अगला वाला कार्बन फिर सूडो, ठीक। और फिर इसको हाइड्रोजन देकर वैलेंसी सेटिस्फाई किया, और फिर हम लोगों ने तोड़ करके इसका क्या किया था, सेकेंड एटम हम लोगों ने निकाला था। सिमिलरली यही काम यहाँ किया था और यही काम यहाँ किया था, तोड़ तोड़ करके, है ना। डबल बॉन्ड को हम लोगों ने स्प्लिट करके क्या बना दिया था, डिफरेंट नंबर्स ऑफ सिंगल बॉन्ड अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक। तो यहां तक अपनी बात हो चुकी थी कंप्लीट पिछले लेक्चर में, डन, ठीक। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे फिर, ठीक। सो लेट्स स्टार्ट, इसको मिटाते हैं, ठीक। तो अब अगर इसी टाइप का आपको और डिफरेंट ग्रुप दिया जाए तो फिर आप यही काम करोगे बाकी जगहों पर भी, क्या करोगे कि जहां मल्टीपल बॉन्ड होंगे उन मल्टीपल बॉन्ड्स को तोड़ के क्या करोगे बेटा, सिंगल बॉन्ड में ब्रेक करोगे, उतने ही सिंगल बॉन्ड क्रिएट करना है। जितना मल्टीपल बॉन्ड है उतने ही सिंगल बॉन्ड क्रिएट कर देना है, ठीक। जिसके बीच में मल्टीपल बॉन्ड है वैसा ही एटम लेना है। जैसे हम लोगों ने इस कार्बन पे दो कार्बन लगाए, ठीक, ऐसा नहीं कि एक कार्बन के साथ बना दिया और एक नाइट्रोजन के साथ बना दिया। जिसके बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, जिन एलिमेंट्स के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है उन्हीं एलिमेंट्स के बीच में क्या होना चाहिए, उतना ही नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स क्रिएट होने चाहिए, क्लियर है, ठीक। तो अल्कीन का सिस्टम हम लोगों ने कवर अप कर लिया, ठीक। अल्काइन का भी कर लिया, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और बेंजीन वाला जो फिनाइल रिंग था उसको भी हम लोगों ने स्प्लिट अप कर दिया, ठीक। ट्रिपल बॉन्ड में तोड़ रहे थे, अभी तो तोड़ा था ट्रिपल बॉन्ड में, क्या कि ट्रिपल बॉन्ड को तीन सिंगल बॉन्ड में तोड़ दिया था, ठीक। डबल बॉन्ड को दो सिंगल बॉन्ड में ब्रेक कर दिया था, है ना। फिर हम लोग इसके और एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोई दूसरा ग्रुप हम चुनते हैं, उसमें भी देखते हैं कैसे स्प्लिट किया जाएगा इसको। मान लो आपके सामने एक ग्रुप आया अल्डिहाइड, ठीक, और आपको कहा जा रहा है कि इसको स्प्लिट करो। जैसे आपके सामने एक ग्रुप है अल्डिहाइड, ये बोला लेट वी हैव सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये है अपना क्या ग्रुप, ठीक। अब इसको स्प्लिट करना है तो क्या बोला गया, ओरिजिनल एटम कौन था, तो ओरिजिनल एटम जिसके बीच में मल्टीपल बॉन्ड है दैट इज कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो अब क्या करना है, सबसे पहले तो ओरिजिनल एटम्स लिख देने हैं, ठीक। एक हाइड्रोजन है वो भी उतार दिया,
अब इस कार्बन का इस ऑक्सीजन के साथ कितना बॉन्ड है? दो बॉन्ड। तब क्या बोलेंगे? एक बॉन्ड तो है, एक और बना दो। सिमिलरली इस ऑक्सीजन का इस कार्बन के साथ कितना बॉन्ड है? दो। तो एक तो है, दूसरा अपने मन से क्रिएट कर दो। तो ये जो नया ये वाला एटम और ये वाला एटम आया, ये दोनों क्या है? सूडो। तो इन सूडो को हाइड्रोजन दे देंगे। इसको तीन की जरूरत है, इसको एक की जरूरत है, ये हो गया कंप्लीट। क्लियर? अल्कोहल थोड़ी बन गया, वो तो सूडो है, रियल थोड़ी है। क्लियर? अब ऐसा ही मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ठीक। क्यों कर रहे हैं? ताकि इन दोनों में प्रायोरिटी सेट कर सकें, है कि नहीं? इसको अगर ब्रेक करेंगे तब क्या बोल रहे हैं? ओरिजिनल एटम कौन है, है ना? तब क्या बोलेंगे इसको? ओरिजिनल लिखो, कार्बन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन है, ओरिजिनल वाला है ना, ये वाला। अब सॉरी मल्टीपल बॉन्ड इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो अब अगला कौन सा? ये ऑक्सीजन। ये सब क्या है? ओरिजिनल या रियल एटम्स। अब क्या बोला गया कि इन दोनों के बीच में ही तो क्या क्रिएट करना है बेटा? सिंगल बॉन्ड। इसी डबल बॉन्ड को तो स्प्लिट करेंगे, जैसे यहां किया, इसी डबल बॉन्ड को तो स्प्लिट किया, वैसे यहां भी स्प्लिट करेंगे। तो अब स्प्लिट करने का मतलब एक बॉन्ड तो कंप्लीट है इस ऑक्सीजन के साथ, एक और लगा देंगे, है ना? किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ लगा दिया। क्लियर? तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड था, तो कार्बन ऑक्सीजन दो बॉन्ड क्रिएट कर दिया आपने। तो ओरिजिनल तो ये दोनों है ना, ओरिजिनल तो ये दोनों है। तो इस ऑक्सीजन के साथ भी तो डबल बॉन्ड है, तो इसको भी एक कार्बन दे देंगे, ये कार्बन दे दिया, खत्म। ये रेड वाला कौन सा आइटम है? वर्चुअल या सूडो, ठीक, या हाइपोथेटिकल, जो बोल दो। अब इसका वैलेंसी सेटिस्फाई करोगे तो एक हाइड्रोजन दे दो, इसका वैलेंसी सेटिस्फाई करना है तो तीन हाइड्रोजन दे देंगे। क्लियर है? कोई तकलीफ? अब बोला गया क्या? यहां भी आप बात करो, ओरिजिनल कौन था? ये वाला। और कौन था? ये वाला है ना। और कौन था? ये वाला। ये तो ओरिजिनल था, ये वाला क्या था? वर्चुअल। तो ये लिख दिया हमने रेड से, ठीक, इसको हाइड्रोजन दे दिया, ऐसा। ये तो सिस्टम है। और ये वाला था वर्चुअल, तो इसको भी हमने दूसरे कलर से दिखा दिया, ये रेड से, ठीक, और इसके साथ हाइड्रोजन दे दिया, ये तो हो गया सिस्टम खत्म। क्लियर? अब बोला गया क्या? बोला गया इनफैक्ट कि आपके पास ये है सी डबल बॉन्ड सी। अब बोला गया यहां लगा सी एच ओ, यहां लगा दिया सी ओ ओ एच। अपनी आसानी के लिए यहां मान लिया हमने हाइड्रोजन क्लोरीन। इजेड करो, तो इजेड करने का मतलब हम बोलेंगे भाई साहब यहां तो 1-2 हो गया, इसका 1-2 कैसे तोड़े? तो इसी के लिए तो स्प्लिट करते हैं, कर दिया स्प्लिट। अब बोला गया कैसे करेंगे? तब इसके लिए क्या तरीका बताया गया आपको कि पहला एटम पहले चेक करेंगे। इस ग्रुप का पहला एटम कौन सा? ये वाला, वही है, ये पहला एटम, ठीक। इसका पहला एटम कार्बन, दोनों सेम, पहला एटम ऊपर भी कार्बन नीचे भी कार्बन दोनों, वी कैन नॉट डिसाइड। दूसरा, अब इससे जुड़ा हुआ हर एटम दूसरा है, ये दूसरा है, ये दूसरा है और ये दूसरा है, यहां पे इससे जुड़ा हुआ ये दूसरा है और ये दूसरा है और ये दूसरा है। क्लियर? तो इसके सेकेंड एटम का लिस्ट बनाओगे तब क्या बोलोगे? ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। और इसके सेकेंड एटम का लिस्ट बनाओगे तब क्या बोलोगे? ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। क्लियर? इस ऑक्सीजन से ये गया, इससे ये गया, और इन दोनों के कॉम्पिटिशन में ये वाला जीत गया। क्लियर? तो अब अगर बोले व्हाट अबाउट प्रायोरिटी ऑफ दीज टू ग्रुप, तब हम लोग क्या बोलेंगे? किसकी प्रायोरिटी? इसकी प्रायोरिटी 1, इसकी प्रायोरिटी 2। अब दिख गया सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड, तब क्या बोल दोगे इसको? बस ये इजेड करने के लिए ऐसा हम लोग स्प्लिट करते हैं। कोई तकलीफ? ठीक, ओके। मान लो आपके सामने मैंने फिर से एक सिस्टम दिया, लेट द सिस्टम इज सी डबल बॉन्ड सी, यहां हाइड्रोजन, यहां ड्यूटेरियम, और यहां लगा दिया हमने सी ओ एन एच टू, क्लियर, और लगा दिया सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। क्या करोगे? क्या करोगे? अब देखो ध्यान से, यहां वाला तो क्लियर है क्या? ये 1-2, ठीक। अब इन दोनों बात करनी है, शॉर्टकट देखेंगे तो ये बात करेंगे क्या? इतना वाला पार्ट तो कॉमन है दोनों में, है कि नहीं? अब बाकी क्या बचा? इधर नाइट्रोजन और इधर ऑक्सीजन, कौन वन आ जाएगा? नीचे वाला, ऊपर वाला 2। स्प्लिट भी करना चाहो कर लो स्प्लिट, तो स्प्लिट करोगे इस वाले को तो स्प्लिट करेंगे, ये वाला तो स्प्लिट ऑलरेडी किया हुआ है, ये वाला वो तो किया हुआ है। मान लो इसको अगर हम लोग स्प्लिट करते हैं तो सी ओ एन एस टू को क्या लिखेंगे? तब बोलेंगे ये सी, है कि नहीं? अब क्या बोल रहे? ऊपर क्या अपना ओ, और यहां क्या एन,
और इधर दो हाइड्रोजन, ये लिख दिया हमने ओरिजिनल। ठीक, अब लिखना है वर्चुअल, तब क्या बात करेंगे, इस सी और सी और ओ के बीच में डबल है, तो एक हमने सिंगल बना दिया ऑक्सीजन इधर, और इसके साथ जोड़ने के लिए बना दिया कार्बन इधर। ठीक, अब क्या बात करेंगे, इसको हाइड्रोजन देके वैलेंसी सेटिस्फाई, और इसको तीन हाइड्रोजन देके वैलेंसी सेटिस्फाई, खत्म कहानी। अब क्या बोल रहे, अब फिर से क्या करना है, नंबरिंग करना है, किसका, पहला एटम कार्बन है, यहां भी पहला एटम कार्बन है, सेकंड, सेकंड एटम, तो यहां बोलेंगे सेकंड, यहां और ये है ना, तो इसका सेकंड एटम का लिस्ट कौन कौन, सॉरी इसके, इसके सेकंड एटम का लिस्ट कौन कौन, ऑक्सीजन, 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 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसके सेकंड एटम का लिस्ट कौन, वहां ऑक्सीजन, 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 तब क्या बात करेंगे, ये ओ बराबर, ये ओ बराबर, इन दोनों में ये जीत गया, क्लियर। तो तोड़ने के बाद भी वही मिल रहा है, यहां से भी मिल रहा है, तो हम लोग सीख रहे हैं धीरे धीरे, तो अब आसानी से बगैर तोड़े भी कर सकते हो आप, कॉमन टर्म को हटा दो, बाकी पे चेक कर लो, कोई दिक्कत। ठीक, ऐसे ही एक सिस्टम मान लो, ऐसा हमने क्रिएट कर दिया, लेट वी हैव सी डबल बॉन्ड सी, और यहां लगा दिया क्या, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, साइनाइड लगा दिया, और यहां लगा दिया क्या, मान लो सी एच टू एन एच टू लगा दिया, वहां भी कार्बन नाइट्रोजन और यहां भी कार्बन नाइट्रोजन, अब बात करो इन दोनों में कौन। ठीक, बाकी मिटा दें, बाकी मिटा दें, चलो करो करो जल्दी से। बोलिए इन दोनों बात की जाए, मान लो लेफ्ट साइड लगाना है तो कुछ भी, अब हम फिर से ये लगा देना, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, और यहां लगा दिया सी डबल बॉन्ड ओ एच, ऐसा सिस्टम, क्लियर। अब ब्रेक करना है तो क्या करेंगे, स्प्लिट, अब इसको तोड़ोगे साइनाइड को और ये वाला, ठीक है, तो हम साइनाइड को अगर तोड़ेंगे तब क्या बोलेंगे, रियल एटम कौन है, कार्बन और नाइट्रोजन, तीसरा कोई एटम ही नहीं, इन्हीं दोनों के बीच में तो ट्रिपल है, तो एक बॉन्ड तो ऑलरेडी बन गया है कि नहीं, अब सूडो एटम नाइट्रोजन दो बार और लगा देंगे तो डबल, और ये ट्रिपल कंप्लीट, कार्बन का काम पूरा, नाइट्रोजन को भी क्या चाहिए, तीन बार कार्बन के साथ, एक बार जुड़ा हुआ है ही, दूसरी बार ऐसे जोड़ दिया और तीसरी बार ऐसे जोड़ दिया, कार्बन कार्बन खत्म। अब क्या करना, हाइड्रोजन देकर वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, यहां हाइड्रोजन दे दिया, यहां हाइड्रोजन दे दिया, यहां हाइड्रोजन दे दिया, इसके पास अरे दो ही तो देंगे, यहां भी क्या हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, डन। अब इधर कार्बन को तीन हाइड्रोजन, इसको भी तीन हाइड्रोजन, खत्म। ठीक, ऊपर क्या है, सॉरी नीचे क्या है, सी एच टू, ये तो ऑलरेडी टूटा हुआ है, यहां कोई मल्टीपल बॉन्ड है ही नहीं, तो यहां लिख रहे हैं सी एन एच 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 एच, खत्म, यही तो है। अब पहला एटम कौन सा, तो बोल रहे कार्बन है कि नहीं, ऊपर वाले में पहला एटम कौन सा, ये तो है, तो पहला एटम कौन सा, कार्बन, नो डिसीजन। ठीक, दूसरा एटम कौन सा इसका, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यही ना, इसका दूसरा कौन सा, नाइट्रोजन, 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 खेल खत्म। एक नाइट्रोजन, उस नाइट्रोजन से हो गया कैंसिल, बाकी तो नाइट्रोजन ही है। ठीक, कहां, ऊपर, तो इसकी प्रायोरिटी, इसकी प्रायोरिटी वन और इसकी प्रायोरिटी टू, इन दोनों में तो अभी क्यों, इसकी प्रायोरिटी टू, इसकी प्रायोरिटी वन, वन वन, सेम साइड जेड, क्लियर है। इस तरीके से ब्रेक करेंगे। ठीक, मान लो एक लास्ट सवाल इस पर, लेट वी हैव सी डबल बॉन्ड सी, यहां लगा दिया सी ओ ओ एच, और यहां लगा दिया सी डबल बॉन्ड ओ एफ, यहाँ लगा दिया C डबल बॉन्ड O सी एल, और यहाँ लगा दिया C C H टू बी आर, ऐसा ऐसा किया, करो जरा फटाफट फटाफट इसको बोलो, राइट वाले में
ऊपर वाला क्यों? ऑक्सीजन है कि नहीं? ऑक्सीजन है, और नीचे में क्या है? हाइड्रोजन है, और ब्रोमीन कहाँ गया है ना? क्या बात कहेंगे ये वाला? नो डाउट हम ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद भी क्या मिलने वाला है? ऑक्सीजन ही तो मिलने वाला है दो बार। क्या ऑक्सीजन डिसाइड कर रहा है यहाँ? नहीं ना, ये पहला एटम तो ये रहा, इसका पहला एटम यही रहा है कि नहीं? दूसरा कौन है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ब्रोमीन, तो यहाँ कौन है और यहाँ कौन है? ऑक्सीजन तो डिसाइड ही नहीं कर रहा, तो क्या स्प्लिट करें? क्लियर? तो ये वाला क्या और ये वाला खत्म। अब इस वाले को ब्रेक करोगे तो दो बार ऑक्सीजन लिखोगे, इसको भी ब्रेक करोगे तो दो बार ऑक्सीजन लिखोगे। अरे दोनों तो कॉमन है, ये वाला पार्ट तो कॉमन, ठीक। अब क्या बोलेंगे? इधर कौन? फ्लोरीन, और इधर कौन? ऑक्सीजन। तो ये पड़ा वन और ये पड़ गया क्या? खत्म। क्या बोलेंगे? वन वन, सेम साइड, इट इज जेड। क्लियर? कोई दिक्कत? छपो। डन, समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर है कैसे हो रहा है काम? ओके, जल्दी 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 नोट करिए। हो गया, कर लिया नोट। अब देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, हम लोगों ने अभी बोला था क्या? सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू को स्प्लिट किए थे, क्या आया था? तो हम लोगों ने बोला कुछ ऐसा आया, कार्बन और ये क्या, कार्बन और इधर हाइड्रोजन और इधर दो और एक हाइड्रोजन इधर, ये तो था ही ओरिजिनल। नए में ही तो लाए थे, इस पर एक कार्बन तो ये हो गया सी एच थ्री, और एक कार्बन यहाँ तो ये हो गया सी एच थ्री, ठीक। कोई दिक्कत? अब आराम से सुनो, सिस्टम उठाया ऐसा, लेट वी हैव सी डबल बॉन्ड सी, यहां बोल दिया एच, यहां बोल दिया एफ, ठीक, और यहां दिया तुम्हें सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू ऐसा, और यहां दिया तुम्हें सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री, और आगे सी एच टू सी एच थ्री। बोला इसमें बात बताओ, तो अब क्या बात करेंगे कि इन दोनों में तो वन टू हो गया, क्लियर। अब क्या करना है, चूंकि डबल बॉन्ड दिख रहा है तो डबल बॉन्ड दिखते ही क्या करेंगे? स्प्लिट, और स्प्लिट करने के बाद वो मिल चुका है, स्प्लिट करने के बाद ये तो मिलेगा, यस सर नो। अब इसको और इसको मिलाओ, तो जब हम मिलाएंगे तो जरा देखना, अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे तो इसको मैं खोल रहा हूं, तो यहां से हाइड्रोजन हटा करके रख दिया ऊपर, ये तो क्या बॉन्ड, क्लियर ऐसा, और ये क्या है, दो हाइड्रोजन एक ऊपर एक नीचे ऐसे, क्लियर, और ये सी एच थ्री, ये सर नो। क्या ये दोनों कॉमन हो गया? इसको एक्सपैंड करने के बाद ये मिलेगा, और नीचे वाला जो मिल रहा है वो भी यही है, ये सर नो। क्लियर? अब आराम से, ये जो सिस्टम दिया हुआ है, ये जो सिस्टम है, इट इज गिवन सिस्टम, इट इज गिवन, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक। यहां क्या, ये दिया हुआ है, क्या वो दिया है? नहीं। वो तो हम सीआईपी से ला रहे हैं, ला रहे हैं, क्या वो रियल सिस्टम है? नहीं। नो सर, ये सिस्टम कैसा है? हाइपोथेटिकल है ना, हाइपोथेटिकल सिस्टम है, या बोलो सूडो सिस्टम है, या बोलो वर्चुअल सिस्टम है, जो नाम दे दो, बट ये सिस्टम तो रियल है। ये क्या है? रियल। और ये क्या है, मतलब इससे जो आएगा वो क्या है? वर्चुअल। याद रखना हमेशा रियल की प्रायोरिटी वर्चुअल से हमेशा ज्यादा होगी। क्या बोला गया? रियल की प्रायोरिटी हमेशा वर्चुअल से ज्यादा होगी। पहले बिल्कुल जितना समझा रहे उतना समझो, अभी कंफ्यूजन आएगा माइंड में, उसको हम क्लियर कर रहे हैं। क्लियर? पहले इतनी बात समझ में आई, रियल की प्रायोरिटी, पहला पॉइंट लिखो, रियल की प्रायोरिटी वर्चुअल से हमेशा ज्यादा होगी। अब आगे क्या क्या बातें आ सकती हैं आपके मन में, वो मैं समझ रहा हूं, वो मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, उसको रहने दे रहा हूं, इतना नोट कर ले जल्दी से।
हो गया ठीक। अब देखो ध्यान से, अब क्या आता मन में कि कब कब क्या बात आएगी। पहली बात, हमने बोला रियल को प्रायोरिटी कब देंगे, जब इसको ब्रेक करने के बाद, इसको ब्रेक करने के बाद जो आ रहा है उसको जब मिलाए इस वाले से, क्योंकि कंपेयर तो इसी से ना करोगे जो आने वाला है, तो जब हम मिलाए तो हमें सब कुछ तो सेम फोटो दिखा, सेम फोटो अगर दिख जाए तब क्या बोलेंगे, तब क्या बोलेंगे कि दोनों आइडेंटिकल सा दिख रहा है। यस सर नो क्लियर? क्या ये तुम तोड़ के लाए हो? नहीं, ये तो सवाल में दे रखा था ठीक। और वो वाला तुम तोड़ के लाए, किसको? इसको। तो एक्चुअल तो ये गिवन था, लेकिन सीआईपी ने तरीका बताया कि वैसे तोड़ के लाओ। क्लियर? तो हम उसको तोड़ के लाए, मतलब इसके वर्चुअल को इस रियल से मिला रहे हैं ठीक। जब भी ऐसी कंडीशन आए कि कोई सिस्टम है उसको ब्रेक करने के बाद जो वर्चुअल सिस्टम बने उसका कंपैरिजन दिए हुए सिस्टम के रियल के साथ हो जाए, मतलब अगला वाला जो सिस्टम वो खुद ही रियल है। कैसे रियल है? क्योंकि यही दे रखा है, हमने तोड़फोड़ तो किया नहीं, तब इसको बोलते हैं आइडेंटिकल सिस्टम। तब ऐसे सिस्टम में क्या बोलेंगे कि जो रियल गिवन था उसकी प्रायोरिटी ज्यादा और जो नया बनकर गया उसकी प्रायोरिटी कम। अब जरा देखो आगे हमने क्या किया, हमने सेम यही सवाल उतार दिया ऊपर, ऊपर एच नीचे एफ एज इट इज, लेफ्ट वाला पार्ट में तो कोई मसला ही नहीं है। राइट वाले में क्या बोला हमने? राइट वाले में क्या किया, ये एज इट इज नीचे वाला पार्ट हमने उतार दिया ठीक। ऊपर क्या कर दिया, सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू की जगह एक हाइड्रोजन यहां से हटाया और एक लगा दिया सी एच थ्री। कोई तकलीफ? अब मुझे बताओ इन दोनों में क्या फर्क है? एक हाइड्रोजन ही तो हटा, इसका मतलब जब इसको तुम स्प्लिट किए थे तो यहां दो हाइड्रोजन था, तभी तो तुम रियल में ये दोनों हाइड्रोजन बनाए। अगर एक सी एच थ्री दिया होता जैसे यहां दिया है, तो क्या अगला वाला यह सी एच थ्री होता? या चलो सब कुछ छोड़ो, इसको स्प्लिट कर लो। जब स्प्लिट करोगे उसको तो क्या मिलेगा तुम्हें? इसको अगर हम लोग स्प्लिट करेंगे तब क्या मिलेगा वो देखो आराम से, है ना? तब क्या बोलेंगे, जब इसको स्प्लिट करेंगे तब इसका मिल रहा है सिस्टम ऐसा, सी ऊपर एच, है ना? और चलो पहले सब कुछ जो रियल दिया वो लिख लो, ये सी और ये सी एच थ्री और ये एच, ये सब तो दे रखा है इसके अंदर। अब तो तोड़ रहे हैं, तो तोड़ेंगे तो एक कार्बन यहां तो बन गया सी एच थ्री, ये वाला क्या वर्चुअल, और एक या और लगाएंगे तो ये वाला बन गया सी एच थ्री, ऐसा ही तो बना। अब आराम से मिलाओ इसका, इसका जो बना है टूटने के बाद वो ये है, इसका कंपैरिजन होगा इससे, क्या ये दोनों आइडेंटिकल हैं? बोलो सर, क्या ये आइडेंटिकल हैं? अरे हैं रे, बोल के देख, सोच के देख, ये वाला पार्ट तो ठीक है ना, इस पे जब आए तब क्या पता चला, है ना? क्लियर है? ये मिल गया वहां भी, ये मिल गया वहां भी, और जब इन दोनों को मिलाए तो ना मिला। क्लियर? तो अब क्या बात कर रहे हैं? हाँ, अब क्या बात करेंगे, सब कुछ तो सेम है, इसके हाइड्रोजन की जगह ऊपर से क्या निकला, सी एच थ्री। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत? तो अब इसके रियल पे कौन डोमिनेट कर गया? हाइपोथेटिकल डोमिनेट कर गया। यस आर नो? तो ये इक्विवेलेंट नहीं है। क्लियर? जबकि यहां ये दोनों क्या था, तो जब इक्विवेलेंट था तो हमने प्रायोरिटी किसको दे दी, रियल को। लेकिन अब डोमिनेट कौन कर गया, वर्चुअल। तो वर्चुअल जब डोमिनेट कर गया, क्लियर, तब भी हम रियल को प्रायोरिटी दे देंगे क्या? नहीं, तब नहीं देंगे। क्लियर? तब तो जो तोड़ के आया वही आंसर होगा। क्लियर? तो चूंकि वो डोमिनेट कर गया तो उसको प्रायोरिटी वन और उसको प्रायोरिटी, कोई तकलीफ? ठीक। अब यहां वन टू, यहां वन टू, तो ये हो गया जेड। हाँ, ये दोनों अगर आइडेंटिकल है तो जी का क्या होगा? एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं, अभी जो वर्चुअल और ये सेम हो गया। हाँ, प्रायोरिटी छोड़ के जीआई की बात करते हैं, तो जीआई की बात अगर करेंगे तो आइडेंटिकल होगा तो जीआई होगा। अरे अरे, क्यों नहीं होगा, ये रियल थोड़ी है सिस्टम। अच्छा, है कि नहीं? जीआई नहीं तब होगा जब दोनों रियल होता, एक्चुअल में ऐसा होता। अच्छा, ई है तो ई लिख दे, कोई बात नहीं, मिसप्रिंटिंग होती होगी। कहां पे ये वाला सिस्टम क्या बोला मैंने, टू, और ये वाला बोला टू। हाँ, बिल्कुल सही, थैंक यू सर। अब बच्चा लोग हमको कमेंट में बोलता, सर यहाँ तो ई है, जेड का लिख दिए, नहीं रे, सिली मिस्टेक्स। खैर, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ठीक। अब सुनो ध्यान से, तो क्या क्या बात आई रियल वर्चुअल में, कि जब रियल वर्चुअल बराबर हो जाए तो रियल को प्रायोरिटी देंगे, किसी भी तरीके से वर्चुअल जीत गया तो वर्चुअल को प्रायोरिटी देंगे, और इसी तरीके से किसी भी तरीके से रियल जीत जाए तब वर्चुअल को क्या देंगे प्रायोरिटी। क्या मतलब बोला मैंने, कि किसी भी तरीके से यही चीज जो बढ़ाए सी एस थ्री ऊपर, यही सी एस थ्री अगर हम नीचे बढ़ा देते तो क्या हम वर्चुअल को कभी प्रायोरिटी देते?
नहीं ना, तब तो ये डोमिनेट कर जाता। कौन सा वाला? रियल वाला है कि नहीं? तो जब बराबर था तब प्रायोरिटी दे दिए, तो जीतने पे काय को नहीं देंगे? क्लियर? प्रायोरिटी प्रायोरिटी हमेशा किसको दी जा रही है? रियल को ही दी जा रही है। क्लियर है? वर्चुअल को सिर्फ एक कंडीशन में प्रायोरिटी दी जाएगी, कब? जब वो आगे बढ़ जाए, मतलब कुछ उसमें ऐसा लगा दो जो उसके रियल पे भी डोमिनेट कर जाए, तभी वर्चुअल को प्रायोरिटी देते हैं। क्लियर? कोई तकलीफ? बोलो बच्चों, सब समझ में आ रहा है? बोलिए पक्का। ओके, जब आ रहा है तो लिखो सवाल दो तीन इस पर फटाफट। स्प्लिटिंग के ऊपर सवाल लिखिए। असाइन ई जेड प्रायोरिटी टू द फॉलोइंग ग्रुप्स। ई जेड प्रायोरिटी असाइन कीजिए। सी डबल बॉन्ड सी, सी एच ओ, सी एच ओ एच, ओ सी एच थ्री, सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी ओ, सी एच थ्री, C डबल बॉन्ड C, C O C L, C O N H 2, C O F, C O B R। करिए, मैं इसको पॉज कर देता हूँ, आप लोग सॉल्व कीजिए। हाँ जी बच्चों, हो गया, बन गई कहानी। क्या बात करोगे? पहला सिस्टम ई है कि जेड है भाई साहब? बोला जाए जरा, बोलो। पहले में क्या बात करेंगे? ये है अपना क्या, सी एच ओ, तो सी एच ओ को स्प्लिट कर देंगे ना फौरन। क्या बात करोगे कि सी एच ओ होने का मतलब ये कार्बन और हाइड्रोजन का ये बॉन्ड, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये तो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को स्प्लिट करेंगे तो क्या बोलेंगे? एक बॉन्ड तो रह ही जाएगा, और एक क्या लाओगे? ऑक्सीजन, तो बन जाएगा OH, और यहाँ क्या लाओगे? CH3, ये ना। ओके, अब इसकी कंपैरिजन की जाए तो क्या है, बिल्कुल सेम है दोनों, दोनों सेम है क्या, है ना। ये हाइड्रोजन को हटा दे तो ऊपर क्या गया? H, और यहाँ क्या? O, और O से कौन जुड़ा हुआ है? CH3। तो ये दोनों सिस्टम हो गया आइडेंटिकल, बट ये तो रियल है ना, ये तो रियल है। और अगर ये रियल है और ये तुम लाए एक ऐसा वर्चुअल, तो रियल की प्रायोरिटी ज़्यादा और वर्चुअल की प्रायोरिटी कम, तो यहाँ क्या बोलेंगे? वन, और ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? टू। ठीक,
अब यहां CHO और COCH3, तो इतना पार्ट तो कॉमन, इतना पार्ट तो कॉमन, यस सर नो। और जब ये पार्ट अपना कॉमन है तब क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन का कंपैरिजन कार्बन से, तो किसकी पैरिटी ज्यादा, कार्बन की, तो बोलेंगे ये वाला वन, ये वाला टू, तो अब ये वन वन सेम साइड, तब क्या हो गया जेड, कोई दिक्कत। अब यहां बात करते हैं, ये है COCl, ये है CONH2, फिर वही बात, इतना पार्ट क्या है कॉमन, और जब इतना पार्ट कॉमन है तो यहां नाइट्रोजन, यहां क्लोरीन, कौन जीता, क्लोरीन, तो ये वन ये टू, ठीक। यहां बात करें, इतना पार्ट कॉमन है कि नहीं, तो यहां फ्लोरीन और यहां क्या, ये वाला पार्ट कॉमन, तो यहां ब्रोमीन, क्या बोलोगे, ब्रोमीन जीत गया, तो ये वाला वन, ये वाला टू, क्लियर। वन वन अपोजिट, तब क्या बोल देंगे, यस और नो, ओके। अगला अगला यहां, तो ठीक है, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, तो जब इसको स्प्लिट करोगे तो क्या बात होगी, ये तो सिस्टम ऐसा है, तो अभी तो ये रियल है। अब मान लो कैसा आता मैं नहीं मालूम, तब क्या बोलेंगे कि ये कार्बन और ये कार्बन तो है ही। अब यहां क्या बात करेंगे, जब डबल बॉन्ड हटाएंगे तो यहां एक और कार्बन लगा देंगे, बोलो है कि नहीं, और यहां पे यहां भी एक और कार्बन लगा देंगे, ये तो हो गया। तो ऊपर वाला सिस्टम स्प्लिट होकर ऐसा आ गया, ये वर्चुअल और ये रियल। अब मिलाओ, पहला कार्बन मतलब पहला एटम इसका, ये वाला है ना, और पहला एटम इसका कौन सा, ये वाला, कोई तकलीफ। अब आराम से, इस पे तो दो दो हाइड्रोजन है, इसमें क्या है, दो दो हाइड्रोजन, और इसमें कितना हाइड्रोजन है, ओनली वन, ठीक। तो इससे जुड़ा हुआ कौन कौन है, कार्बन है ना, और यहां कार्बन, ठीक, और ये हाइड्रोजन है कि नहीं, और इससे जुड़ा हुआ कौन है, तब क्या बोलोगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन, तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा, ऊपर वाले की है कि नहीं, ऊपर वाले की, तो ये क्या हुआ वन, और ये क्या हुआ टू, कोई दिक्कत, ठीक है। अब इन दोनों में तो अभी भी जानते हो, ट्रिपल बॉन्ड वाले की प्रायोरिटी डबल बॉन्ड वाले से ज्यादा है ना, तो ये वन टू खत्म, तो क्या बोलेंगे जेड, कोई दिक्कत। यहां क्या बात करेंगे, फिनाइल और ट्रिपल बॉन्ड में निकाल चुके हम लोग, ये वन और ये टू होता है, ठीक। अब यहां बात करो, जब इसको स्प्लिट करेंगे तो ये वाला कार्बन और ये वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये कार्बन अपने मन से जोड़ोगे, जोड़ दिया तो बन गया CH3, डबल बॉन्ड हट गया, क्लियर, और यहां भी एक CH3 जुड़ गया, बस इसके अलावा कुछ नहीं। अब इन दोनों का कर दो कंपैरिजन, तो यहां क्या है, इस पोजीशन पे क्या है, एक है H, ठीक, यहां भी क्या है, एक है H, यही ना, CHCH3, तो ये दोनों पार्ट आइडेंटिकल, ये वाला पार्ट आइडेंटिकल। इससे आगे बढ़ते हैं, तो इससे आगे क्या है, CH2, बोलो CH2, और यहां क्या है, एक है H और एक है D और एक है CH3, और यहां क्या है, तब क्या बोलेंगे, CH2। अब आराम से, फर्क किसका पड़ा, अरे है ना, ये कार्बन, ये भी कार्बन, ये CH3, ये भी CH3, यहां हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, ऊपर क्या है, ड्यूटेरियम, तो इसका ड्यूटेरियम का कंपैरिजन इनमें से एक हाइड्रोजन के साथ, तो जीता कौन, ऊपर वाला, क्लियर, वन टू, कोई दिक्कत। यहां बात कर, यहां तो हो ही चुका, तो अब वन टू क्या, अपोजिट सिस्टम इज ई, ठीक, इसमें बात कर लो, यहां ओ एच ओ डी आइसोटोपिक रूल, ये वन ये टू खत्म, ये वन ये टू खत्म, ये दोनों सेम साइड जेड। यहां बात कर लो, ये डी ये एच ये वन ये टू, यहां सी डी थ्री और यहां सी एच टू सी एच थ्री, याद है इनके बारे में, आइसोटोपिक कब तक, जब तक सेम कार्बन होता था तब, कार्बन का संख्या बढ़ गया, कार्बन का नंबर बढ़ गया, चेन का लेंथ बढ़ गया, जब चेन का लेंथ बढ़ गया तो बोला था मैंने एहतियात करना है, मोहतात रहना है। तो यहां क्या है सर, तो बोल गया तीनों का तीनों एटम क्या है, डी है ना, और याद रख गिनना, दो हाइड्रोजन है और एक क्या है कार्बन, तो इनफैक्ट कार्बन का कंपैरिजन डी से होगा, तो कौन जीता, ये हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं, ये वन और ये टू, तो वन वन क्या हो गया, अपोजिट, अपोजिट हो गया तो क्या बोलेंगे, खत्म, क्लियर। तो ये था मल्टीपल बॉन्ड वाला रूल CIP का, जो हम लोगों ने कर लिया कंप्लीट, क्लियर। तो CIP का कितना रूल हो गया कंप्लीट, बोलो कितने देर का लेक्चर हुआ, लेक्चर हुआ सिर्फ 35 मिनट, वेरी गुड, क्लियर है, चार हुआ, पांच, चार, रियल ना, स्प्लिटिंग ही तो किया था,
स्प्लिटिंग है तो क्या था, चार हुआ, मल्टीपल बॉन्ड वाला चार हुआ, ठीक है। अब अगला आएगा बाद में जब हम बात करेंगे फिर लोन पेयर वाला, जब सिन एंटी पे आएंगे तब, ठीक। तो इतने रूल से आपका काम बन रहा है ना, इतने रूल से हम लोग ईजेड कर ले रहे, ठीक है। क्लियर। अब आओ अगर हम लोग बात करें साइक्लिक सिस्टम का, है ना, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी इन साइक्लिक सिस्टम एज एज ग्रुप, जब साइक्लिक सिस्टम ग्रुप बन जाए, क्या मतलब, कहने का मतलब ये, लेट वी हैव सी डबल बॉन्ड सी, यहां H लगा दिया, F लगा दिया, और यहां लगा दिया हमने साइक्लोप्रोपाइल सिस्टम ऐसा, ठीक, और यहां लगा दिया हमने साइक्लोप्रोपाइल सिस्टम ऐसा, और यहां लगा दिया एक ब्रांच, ठीक। मान लो यहां भी कर ही दे रहे हैं हम अलग, ये है साइक्लोब्यूटाइल सिस्टम, और यहां भी लगा दिया साइक्लोब्यूटाइल, ये दोनों का दोनों क्या है, साइक्लिक, कोई दिक्कत। एक में लगा दिया मिथाइल यहां, ठीक, और एक में मिथाइल लगा दिया दो बार यहां, और आपको बोला नंबरिंग करो, बोलेंगे ठीक है देखते हैं। क्या करना, सबसे पहले इस सिस्टम को देखेंगे, तब देखो ध्यान से, पहला एटम कौन सा, ये वाला, इसका पहला एटम कौन सा, ये वाला, कोई दिक्कत, ठीक है। अब बोलो क्या दोनों आइडेंटिकल है, बिल्कुल आइडेंटिकल है। दूसरा एटम कौन सा, ये वाला है ना, इसमें तो किधर से भी घूम लो सब आइडेंटिकल है। ऐसे सिस्टम हम किधर से घूमना प्रेफर करेंगे, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, तो बोलेंगे इधर आने पे हमें कार्बन दिख रहा है, हाइड्रोजन छोड़ के कुछ भी दिख जाए वो प्रेफर करते हैं हम लोग, क्योंकि प्रायोरिटी बढ़ाता है वो, ठीक। इधर से घूमेंगे दो हाइड्रोजन है, इधर से अगर हम घूम रहे तो ये तो CH3 है और ये तो हाइड्रोजन है, और यहां तो दोनों का दोनों हाइड्रोजन है, तो दोनों ही बेकार है, ये कार्बन के आने से तो फायदा है, तो हम किधर से घूमेंगे, जिधर से प्रायोरिटी बढ़ने लगे, तब क्या बोलेंगे, ये वाला क्या है, टू है ना, ठीक है। वन पे तो आइडेंटिकल था, टू पे जैसे ही आए तो यहां क्या, दोनों का दोनों हाइड्रोजन, रिंग के अंदर वाला पार्ट तो बराबर है ना, ठीक। अब आगे बढ़ रहे तो ये वाला क्या, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यहां क्या, CH3 और, तो इस दो से जुड़ा हुआ, दो से जुड़ा हुआ क्या, यहां कार्बन, और दो से जुड़ा हुआ दोनों का दोनों क्या है, इन दोनों के कंपैरिजन में कौन जीता, क्लियर है। तो ऐसे घूम घूम करके देखेंगे कहां हमें डिफरेंस मिल रहा है, तब क्या बात करेंगे, यहां क्या मिला, बोलो, कार्बन, तो इसकी प्रायोरिटी क्या, वन, मतलब इसका इसका हो गया ना ज्यादा एटॉमिक नंबर, ठीक, और इसकी प्रायोरिटी क्या, दो, क्लियर। सेम बात यहां करो, क्या कहोगे, पहला एटम ये, पहला एटम ये, अब इसमें तो बीच में लगाए, इधर से घूमे ती भी तीन, इधर से भी घूमे तो भी, इसमें ऐसे घूमोगे या ऐसे घूमोगे, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऑब्वियसली, यहां आए तो टू, इसमें किधर से भी घूमो टू, ये रहा है कि नहीं। अब टू पे क्या है, यहां दो हाइड्रोजन, लेकिन यहां पे क्या है, एक कार्बन, कौन जीता, ऊपर वाला, ये सर नो, हालांकि इसमें हम आगे बढ़ जाते थोड़ा सा तो यहां दो दो मिलता, तो आगे बढ़ने का इजाजत ही नहीं दे रहा ऊपर वाला, वो वहीं जीत गया तो आगे कहां से बढ़ोगे, क्लियर। तो इसकी प्रायोरिटी क्या, वन, और इसकी प्रायोरिटी क्या, अब क्या बोलेंगे, वन वन अपोजिट साइड, तब क्या बोल देंगे, ऐसा भी साइक्लिक सिस्टम में जब भी आए तो ऐसे बना बना के चेक करना है। मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, लेट वी हैव ऐसा सी डबल बॉन्ड सी, यहां इथाइल लगा दिया, ठीक, यहां मिथाइल लगा दिया, ठीक, ऐसा, ठीक। अब क्या बात करेंगे, ऐसे सिस्टम में मान लो इधर से हमें चेक करना है, क्या करें, सबसे पहले क्या बात करेंगे, ये वाला वन, तो ये वाला भी वन, दोनों सेम, ये वाला टू, ये वाला टू, कौन जीता, नीचे वाला, है ना, क्लियर।
तो इसकी प्रायोरिटी क्या हो गई? वन. इसकी प्रायोरिटी टू. इन दोनों में बात करें तो ये वाला फ्री वैलेंट एटम वन, इसमें भी ये वन, इसमें कहीं से घूम जाओ तो ये टू हो गया. इसमें इधर घूमना ज़रूरी है, यही मिल गया ऑक्सीजन, है कि नहीं? या आयोडीन मिल रहा है, मिलता रहे वो बाद में मिल रहा है कि नहीं? तो ये क्या हो गया? वन. और ये क्या हो गया? टू. क्या बोल देंगे? समझ में आया? ऐसे करते हैं साइक्लिक सिस्टम में. क्लियर? इस तरीके से साइक्लिक सिस्टम में हम लोग क्या करेंगे? घूम घूम करके देखेंगे जहां हमें फर्स्ट डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक, उसी को चुन लेंगे और वही अपना सिस्टम हो जाएगा. और उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या बात कर देंगे? प्रायोरिटी सेट कर देंगे और ईजेड कर लेंगे अपना. ठीक, तो हमने साथ के साथ ईजेड भी आपका करवाई दिया. तब ऐसा है नहीं कि सिर्फ प्रायोरिटी बताई, अपना काम ही खत्म. इसका ईजेड अब तक जितना पढ़ाया समझ में आया सब? तो अब कोई भी ग्रुप आ जाए, मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, रिंग आ जाए, कोई भी सिस्टम आ जाए, वी कैन ईजिली हैंडल द सिचुएशन. ठीक, अगली क्लास में मतलब अपना ईजेड क्या हो गया? एक तरीके से कंप्लीट. ठीक, सिस ट्रांस कंप्लीट, ईजेड कंप्लीट. अब क्या? अब हम लोग देखेंगे सिन एंटी. ठीक, सिन एंटी कहां लगाते हैं वो बात करेंगे. ठीक, अब सीआईपी का दो रूल और बच गया. क्या? कि जब जीआई के अंदर जीआई पैदा कर देंगे हम लोग, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है उसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर. मतलब क्या वो समझो कि लेट द सिस्टम इज लाइक दिस. अपना अभी तो हम लोग बात कर रहे थे ना, सी डबल बॉन्ड सी लगा दिया और दोनों तरफ ग्रुप लगा दिए और सीधा सीधा हिसाब तुम चेक कर लिए. अब क्या बात कर रहे हैं कि अगर अपना सिस्टम ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए वो देखो. मान लो लेट द सिस्टम इज लाइक दिस. क्या? कि भाई सी डबल बॉन्ड सी लगाया हमने, ठीक, और यहां लगा दिया सी डबल बॉन्ड सी और यहां भी लगा दिया सी डबल बॉन्ड सी. कोई तकलीफ? चलो, मैंने बोला यहां सी एच थ्री अगर लगाते और यहां भी सी एच थ्री लगाते, यही खत्म हो जाता खेला, है कि नहीं? आइडेंटिकल होता ही खेल खत्म. तो आइडेंटिकल ना हो इसके लिए हमने बोला ये सी एच टू है और यहां लगा दिया फ्लोरीन, तो अलग हो गया. तो ये तो, ये तो हम कर चुके हैं, ये तो हो गया वन देखते ही, आइडिया हो गया ना, ये देखते ही वन. और ये क्या हो गया? यहां तक तो हमारी बात पहुंच चुके. अब क्या कह रहे हैं कि यहां पे भी हमने लगा दिया ग्रुप अलग अलग, ठीक है, ऐसा लगा दिया. मान लो हमने बोला ये एच है और ये ओ एच है और ये सी एच थ्री है. क्लियर? अब क्या बोल रहे इस सिस्टम में भी? क्या? कि यहां लगा दिया हमने क्या H और यहां लगा दिया OH और यहां क्या लगा दिया CH3. क्या लगा दिया? अब आपसे बोला जा रहा है कि भाई साहब इस सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे. अब बोल GI के अंदर GI डेवलप हो गया. अगर सिस्टम सिर्फ स्ट्रक्चरली होता, ये GI का एरिया नहीं होता, तो हम बाकी कुछ चेक ही नहीं करते. हम तो सीधा बोलते CH CH OH मतलब COH CH3. तो ये और ये तो स्ट्रक्चरली तो आइडेंटिकल है. अगर ये एरिया नहीं देता तो खेल ही खत्म था. क्या बात करते? सीधा दोनों चुके आइडेंटिकल है, खत्म, जीआई नहीं होगा. लेकिन चूंकि यहां कहानी है तो अब अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी बात करूं, ठीक, तो ये किसी पे डिपेंड तो नहीं कर रहा, ये तो सीधा सीधा है. बोलोगे ये वन ये टू है ना, नीचे वाला कार्बन है, ऊपर वाला हाइड्रोजन है, ये टू. तो ये वाला क्या हुआ? यहां का कॉन्फिगरेशन क्या है? अब इसकी बात कर लें, तब क्या बात करोगे कि सर यहां क्या है? तो बोलेंगे ये वन है और ये टू है और ये टू है और ये वन है, तो ये क्या है? तो बोलेंगे ये तो जेड है. अब बात कर, क्या ये और ये, ये ये और ये स्टीरियोकेमिकली सेम हुआ क्या? नहीं, स्ट्रक्चरली तो सेम है बट स्टीरियो अलग है. अगर स्टीरियो इन दोनों का अलग हो गया तो दे आर नॉट सेम ग्रुप, दे आर नॉट, हाँ, दे आर नॉट सेम ग्रुप. अगर ये सेम ग्रुप नहीं हुआ, इसका मतलब क्राइटेरिया नंबर फोर, फॉर विच, फॉर दिस एरिया. क्राइटेरिया नंबर फोर मतलब क्या? आइडेंटिकल ग्रुपिंग. आप बोलोगे इसके अबाउट जीआई होगा कि नहीं होगा, तो पहला क्राइटेरिया रोटेशन रुका हुआ है, दूसरा क्राइटेरिया चार बॉन्ड होना चाहिए. बोलेंगे बिल्कुल चार चार बॉन्ड है, एक बॉन्ड दो बॉन्ड तीन बॉन्ड चार बॉन्ड. तीसरा क्राइटेरिया ये चारों का चारों बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में होना चाहिए, वो भी है. फोर्थ क्राइटेरिया ये दोनों और ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए, तो लेफ्ट वाला तो क्लियरली डिफरेंट है, राइट वाला स्ट्रक्चरली तो सेम था बट स्टीरियोकेमिकली क्या हो गया? डिफरेंट हो गया. तो अगर स्टीरियो डिफरेंट हो गया तो कभी भी इसको हम सेम ग्रुप बोल ही नहीं सकते. और जब सेम नहीं बोला तब बोले कि यस नाउ दिस कैन शो. समझ में आ रही बात है कि नहीं? अब मुझे बताओ इसका सारा का सारा दारोमदार इन दोनों के इजेड पे ही तो डिपेंड था. अगर ये भी ई और ये भी ई आ जाता या ये भी जेड आ जाता, तब तुम क्या बोलते? खत्म,
है कि नहीं? तब क्या बोलेंगे? दिस एरिया इज कॉल्ड डिपेंडेंट एरिया। है कि नहीं? अरे आ ही नहीं सकता, पलट दे रहे अभी, पलट दे रहे, बस CH3 यहाँ लगा दे, वो यहाँ लगा दे, क्या हो जाएगा? हाँ, अगर डिफरेंट हो जाएगा, क्लियर? तो अगर ये दोनों सेम हो गया तब क्या बोलेंगे? जीआई शो नहीं करेगा, और ये दोनों डिफरेंट हो गया तब जीआई शो करेगा, क्लियर? इसका मतलब इसके स्टीरियो पे डिपेंड कर रहा है कौन? ये सर, अगर राइट वाले का, हाँ, OHCH3 है, हाँ, मैंने बस ये कर दिया, ये लगा दिया CH3 और OH लगा दिया, हाँ, अब बोल। हाँ बिल्कुल, खत्म हो जाएगा कहाँ से? ये तो अपना आप खुद ही नहीं। नहीं 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 नहीं, उसने दूसरा सवाल पूछ दिया, उसने दूसरा पूछ दिया अभी, उसने कुछ और बात करी। हाँ बोलो, क्या करें? दोनों को, हाँ, ये इसने ये बात की, अगर इसने दोनों CH3 कर दिया तो अब क्या बात करोगे? अब तो इजर्ट की, अरे आइसोमेरिज्म नहीं हो रहा, वेल एंड गुड, बट ग्रुप ने चेंज हो गया, तो हम स्टीरियो का देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, इसके अबाउट जीआई नहीं है, लेकिन अब इसके अबाउट तो जीआई धनाधन है, है कि नहीं? अब तो पूरा ग्रुप ही चेंज हो गया। हाँ, अब अगर नीचे भी हम लोग सेम कर दे, यहाँ पे भी है कि नहीं, यहाँ भी लगाते, अगर मान लो CH3 लगा दिया या दोनों OH ही लगा देते, है ना, अब लगा दिया तो आपको कहानी नहीं है, अब तो, अब तो सवाल ही नहीं है, अब कहीं नहीं हो ना, जब यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, तो यहाँ तो सवाल ही नहीं है, क्लियर? कोई दिक्कत? तो ये वाली कहानी देखेंगे कि अगर ये ई आ गया, ये जेड आ गया, तो भाई साहब यहाँ तो 1 2 करके बैठे हैं, इन दोनों में 1 और 2 किसको बोलेंगे, है ना? तब सिस्टम में CIP रोल आता है, कौन सा वाला? लास्ट वाला, उससे पहले एक लोन पेयर का रोल आता है, लोन पेयर और ग्रुप लगा हो तब प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा देते हैं? तब लोअर पेयर के ऊपर किसकी प्रायोरिटी देते हैं? दूसरे ग्रुप की, है ना? ये वाला क्राइटेरिया नंबर 6, सॉरी रूल नंबर 6 आएगा, जहाँ बोलेंगे जेड की प्रायोरिटी ई से ज़्यादा होती है। पढ़ेंगे इसको अगले लेक्चर में, पढ़ेंगे अभी नहीं कर रहे क्योंकि मेमोरी बचानी है, वो खत्म हो जाएगा अभी, है ना? रुका नहीं है, चल रहा है वीडियो, वीडियो चल रहा, खैर। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अगला रूल। अभी तक जितना समझाया, समझ में आया? बोलो भाई साहब, इतना समझ में आया? ठीक, तो इतने को रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना ये टॉपिक कर देंगे कंप्लीट, कौन सा? कॉन्फ़िगरेशन वाला। ठीक, चलिए, अस्सलाम वालेकुम।